आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पके आम की बहुत ही स्वादिष्ट खीर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट आम की खीर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, आप इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध। दूध हमारा उबलने लगा है तो डाल दूँगी इसमें चावल। चावल मैंने इसमें डाल दिया। चावल को मैंने 10 मिनट पहले ही भिंगो कर रख दिया था, इससे खीर हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। तो जब भी खीर बनाएं तो चावल को पहले भिंगो कर रख दें। तो इस चावल को अच्छे से पकने देते हैं। तो चावल हमारा अच्छे से देखिए पक गया है। तो बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें डाल दूँगी इलायची का पाउडर, चीनी, चीनी आप स्वाद के अनुसार डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खीर हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल ही रबड़ीदार बना हुआ है। तो गैस को बंद कर देती हूँ और खीर को ठंडा होने देते हैं। खीर हमारी जो है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो मैंने लिया है यहाँ पे आम का प्यूरी। मैंने 2 आम को मिक्सी के जार में डाल करके इस तरह से पीस लिया है, इसकी प्यूरी बना ली है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे। ये काम हमें खीर ठंडा होने के बाद ही करना है फ्रेंड। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन के तैयार होती है। एक बार ज़रूर आप बना करके खाइएगा और अपने परिवार को भी खिलाइएगा। ये लीजिए खीर हमारी तैयार हो गई है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, हमारी आम की जो खीर है तैयार हो गई है। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।